जी तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टूल्स की। अब टूल्स में क्या है, टूल्स में अवेलेबल टूल्स, अब यहाँ पे जो टूल्स अवेलेबल हैं वो शो कर देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या होता है कि जो आपने वेबसाइट बनाई, जैसे हमने ये बनाई है, तो इसके डैशबोर्ड पे जाके हम अगर इंपोर्ट कर देंगे या एक्सपोर्ट कर देंगे उसका डाटा, तो एक फाइल बन जाएगी, तो वो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो जो जैसे देखें, ऑल कंटेंट, पेजेस, पोस्ट, मीडिया, अदर्स, ऑल पे के, तो ऑल के ऑल कॉन्टैक्ट के वो एक फाइल बना देगा, और डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल हम कर लेंगे उसकी। ये देखें, डाउनलोड करेंगे तो जो भी हमने पेजेस बनाए हुए उसके, जहाँ पोस्ट किया हुआ, ये देखें, ये उसकी एक ना, उसने जो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी एक फाइल बन जाएगी। और जो फाइल यहाँ पे भी एक्सपोर्ट किया, हम इंपोर्ट करेंगे, तो इसकी अगर हम फाइल बनाते हैं तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो सेम यही चीज़ जो मेन्यूज बनाया हुआ हमने, पेजेस बनाए हुए, वो इसी वेबसाइट में वो आ जाएंगे। वो जिस तरह ये सेम वेबसाइट है, और जिस तरह वो भी वेबसाइट के मेन्यूज़ वगैरह बन जाएंगे, और इस तरह आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं।